तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांगड़ा के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम के अगले 9 दिन का कार्यक्रम तय कर दिया है। इस दौरान सीएम सुक्खू कांगड़ा जिले की जनता की समस्या सुनेंगे और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। प्रदेश में रिवायत रही है कि सरकार सदियों में ही शीतकालीन प्रवास पर कांगड़ा जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू इस परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार गर्मियों में कांगड़ा प्रवास पर जा रहे हैं। वहीं बाखूबी समझते हैं कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। जिले की जनता मंत्रिमंडल में कांगड़ा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलने से मायूस है, इसलिए जनता को साधने के लिए मुख्यमंत्री अगले कुछ दिन कांगड़ा में रुकेंगे। बिल्कुल ये व्यवस्था परिवर्तन ही है, प्रवास कुछ नहीं होता, लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा प्रयास है। चाहे शीतकालीन है चाहे ग्रीष्मकालीन है, हम लोगों की सेवा के लिए ये सरकार बनी है। और मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। मेरा मकसद कांगड़ा को कैसे टूरिज्म के रूप में विकसित करना है, आज उस मामले में पूरी बैठक की जाएगी। तकरीबन 3000 करोड़ रुपये हमने कांगड़ा को उपलब्ध करवाया है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ काम पर विश्वास करता हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ और मैं काम पर ही विश्वास करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन विकास को हम रुकने नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था 4 साल में पटरी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं।